दुनिया का अनुभव समझकर अगर अपनों को कोरोना से बचना है तो ये उपाय जरूरी था। ये 21 दिन का लॉकडाउन हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारी जान बचाने के लिए है। जान बची तो लाखों पाए, जान है तो जहां है, तो ये सत्य है। और इसलिए मोदी जी की घोषणा से सबने स्वागत किया है। जैसे मैंने कहा, इस बीमारी से लड़ने का 3-4 ही डूज है। 1, घर में रहे। 2, कुछ भी काम होने के बाद हाथ धोना। यानी अगर हम रोज दिन में 2-4 बार धोते हैं तो 15-20 बार धोना है, लेकिन हाथ धोना साबुन से चलता है, हर बार सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। बुखार, कफ, सर्दी, बुखार, खांसी, सर्दी, कुछ भी तकलीफ हुई तो डॉक्टर के पास जाना है। और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 5-5 फीट का अंतर रखना है, ये उसकी प्रक्रिया है। अब इस घोषणा से निश्चित थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि रोज के व्यवहार एकदम ठप हो जाते हैं, लेकिन यही तो मौका भी है कि परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का यह एक मौका भी है। और आप अगर देख रहे हैं कि दुनिया की क्या स्थिति है, जो विकसित देश है, दुनिया में आज तक 12,000 से ज्यादा मौतें हुई है, 16,000 से ज्यादा मौतें हुई है। ये 22 मार्च की मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 3 दिन पहले, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। चाइना में 3,267 है, यूरोप में, इटली में 4,800 से ज़्यादा, 5,000 से ज़्यादा हो गए अब, फ्रांस में 562 से ज़्यादा हो गए, ब्रिटेन में 233 लोग मरे हैं, ईरान में 1,700-1,800 लोग मरे हैं, और अमेरिका में भी 250 से ज़्यादा लोग मरे हैं। तो ये जो एक दुखद कहानी है, पूरे विश्व पर संकट छाया है, इससे अगर बचना है तो कोई कड़ाई से उपाय करना चाहिए। और इसलिए मोदी जी ने जो कहा वो देश के हित में, अपने हित में, अपने परिवार के हित में है। और ये समझकर जो भी थोड़ी तकलीफ होगी वो सब लोग सहन करेंगे, ये हमें विश्वास है। लेकिन 2-3 बातें, कल जैसे एकदम भीड़ की लोगों ने, जैसे आज से दुकानें बंद होगी, नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं की सारी दुकानें रोज चालू रहेगी, पूरे 21 दिन चालू रहेगी। दूध हो, दवा हो, सब्जी हो, किराना हो, राशन हो, मांस हो, पशु चारा हो, जो भी जीवनावश्यक चीजें हैं, उन सब की दुकानें चालू रहेगी। लेकिन उसमें हमें क्या करना है ये दिखाने जैसा है। गुजरात के एक टाउन में, शायद आनंद में, ये इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग दुकानदार ने ही गोल सर्कल तैयार किए हैं, 6-6 फुट पर, और एक एक सर्कल में एक एक आदमी खड़ा रह रहा है। ये डिसिप्लिन हमें पालने की जरूरत है। एकदम वहाँ दुकान में जाकर भीड़ करेंगे तो सारा पर्पस ही खत्म होगा। और इसलिए ये बेहद जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये नमूना है। पुदुचेरी में ये इस तरह का किया है, ये भी एक समझने जैसा है। अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन 2 व्यक्तियों में, ग्राहकों में 6 फीट का अंतर हो, और एक के बाद एक ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 14 दिन सामान मिलेगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, मुख्यतः राज्य सरकार है और जिला, राज्य सरकारें सभी केंद्र सरकार के इस विषय में साथ में हैं, क्योंकि मूल उसकी अमल राज्य सरकारों को ही करना है। और राज्य सरकार की ये, इसी को तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, और उन्होंने भी जिला प्रशासन को अधिकार दिए हैं।
कल आपको मालूम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संबंध में जो कानून है उसके तहत ये घोषणा हुई है। तो इसके लिए केंद्र सरकार भी कुछ काम कर रही है, क्योंकि एक मुद्दा आता है गरीबों को क्या सहूलत मिलेगी। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को हर महीने 7 किलो प्रति व्यक्ति इतना राशन 27 रुपए जिस पर खर्च होते हैं वो गेहूं 2 रुपए में देते, 27। वही वही बता रहा हूं ना, लेकिन है ना 27। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, कभी कभी क्या होता है चर्चा में हम भूलते हैं। तो 20 कॉस्ट ऑफ व्हीट विच स्टैंड्स एट 27 रुपीज टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड एट 2 रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ राइस विच इज एट 37 रुपीज टू द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड एट 3 रुपीज। दिस इज टू 80 करोड़ पीपल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, इस पर 1,80,000 करोड़ खर्च हो रहे। तो ये स्कीम अब 3 महीने का ज़्यादा भी सभी राज्यों को दे रहे हैं, एडवांस में सामान मिलेगा, इसकी व्यवस्था की है। दूसरा, जैसे आपको पता है केंद्र सरकार के सभी नौकरों को तो तनख्वाह मिलेगा ही, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स है उनको भी उसमें तनख्वाह मिलने की कल निर्मला जी ने घोषणा की है। प्राइवेट को सारे कर्मचारियों को और बाकी सेवा देने वालों को तनख्वाह देने की, जो मिनिमम वेज है वो देने की बात कही है, और रिस्पांस बहुत अच्छा है उसको भी। सिवाय ये केंद्र और राज्य ऐसा अलग अलग नहीं है, सब मिलके कर रहे हैं, और इसलिए राज्य सरकारों ने भी अगुवाई की है। हर राज्य सरकार ने कुछ न कुछ पहल की है, कहीं फ्री अनाज किया, कहीं कुछ किया, तो हर राज्य सरकार भी अपने अपने तरीके से काम कर रही है, इसका भी स्वागत है। और इसलिए गरीबों को नहीं, सबको वस्तुएं मिलेगी, सेवाएं मिलेगी, साथ साथ जो गरीबों के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर और दिहाड़ी पे काम करने वाले ऐसे लोग जो है उनके लिए भी व्यवस्था है, और सस्ता अनाज या कहीं कहीं फ्री अनाज भी दिया जा रहा है राज्यों में। एक मेरा मुद्दा निश्चित है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, क्योंकि ऐसे समय इतनी अफवाहें फैलती है, इतने विभिन्न फोटो आते हैं, वो इस देश के है कि नहीं ये भी पता नहीं चलता, लेकिन इस तरह से बहुत सारी अफवाहें उठती है, उस पर विश्वास न करें। इसके लिए सही जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो उनका डैशबोर्ड है mohfw.gov.in वो शुरू किया है, ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, सारी जानकारी लेटेस्ट हर घंटे की जानकारी मिलती है, और आपके कुछ सवाल होंगे तो उसका भी जवाब मिलता है। अभी हर राज्य को कहा है कि हर जिले में हेल्पलाइन शुरू करें, बहुत राज्यों के हेल्पलाइन शुरू भी हो गए हैं, और गृह मंत्रालय भी अपना एक खास हेल्प नंबर आज घोषित करने वाली है। तो मेरा मूल मुद्दा इतना ही है कि एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक सहभाग जनता का मिल रहा है। आज कैबिनेट में 4-5-6 निर्णय हुए हैं, वो भी संक्षेप में बताऊं। पहले तो रीजनल रूरल बैंक्स, अनेक सालों पहले जो नेशनलाइज बैंक के आधिपत्य में ही रीजनल रूरल बैंक्स बने ग्रामीण सेवा के लिए, उनमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल टू रिस्क
जो 9% चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए 1340 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसमें केंद्र सरकार 670 करोड़ देगी और 670 करोड़ रुपए विभिन्न बैंक जो उन आरआरबीज को देखती है वो करेंगे। रेलवे का एक 22 किलोमीटर का फ्लाईओवर अलीगढ़ में बहुत सालों से मांग थी, नहीं हो रहा था, आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और उसका सभी लोगों को और डी कंजेस्ट होने को अलीगढ़ को उसका बहुत लाभ मिलेगा। टेक्सटाइल में जो निर्यात होता है अपैरल्स और मेडअप यानी तैयार कपड़े या जो कंबल और बाकी सारी चीज़ें बनती है और अपैरल्स है, इस सब में जो निर्यात करने पर सेंट्रल और स्टेट टैक्स में सब्सिडी मिलती है, लेवीज में सब्सिडी मिलती है, ये सब्सिडी मार्च 2020 तक थी और बाद में वो रॉड टैप में आने वाली है, यानी जिसका पीयूष जी ने पिछली बार उल्लेख किया था, तो उस योजना में आने वाली है। लेकिन उस योजना का पूरा खाका बन के उसमें समाहित होने को जो भी 3, 4 या 6 महीने लगेंगे, तो उसमें ये सब्सिडी अब जारी रहेगी जब तक वो उस योजना का हिस्सा नहीं बन जाती, ये भी निर्णय किया। और एक निर्णय में इलाहाबाद और कानपुर, इन दो जगह जो केंद्रीय विद्यालय डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में बने हैं, उसके लिए नया बनाने के लिए उसमें 8 एकड़ और 10 एकड़ ऐसी जगह देने का भी प्रस्ताव हुआ। और एक रेलवे और जर्मनी का एक एमओयू भी हुआ, तो कैबिनेट की भी बैठक हुई, कोरोना के परिस्थिति पर चर्चा भी हुई, देश की प्रतिक्रिया को ध्यान में लिया गया और एक सकारात्मक दृष्टि से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन सब एक साथ एक सुर में एक ताल में चलेंगे और इस संकट को मात देंगे और दुनिया की जो स्थिति है वैसी न हो, इसके लिए ये सारे प्रयास है और इसके बारे में ये भी चर्चा हुई। सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर। इससे पहले सर, यहाँ से क्वेश्चन लेने से पहले इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर ऑनलाइन जो है, बट इज द गवर्नमेंट एस्टिमेट ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इंडिया? ऐसा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमेशा स्थिति पर नजर रखती है कि हर एक घटना का आर्थिक परिणाम क्या होता है। दुनिया को भी ये 190 देशों पर इसका अलग अलग परिणाम हो रहा है, तो इसके बारे में पहले संकट पर मात करें फिर इसकी चर्चा करें, लेकिन इसका अध्ययन होता है हमेशा और इसका संज्ञान सरकार हमेशा लेती है। 152 माय क्वेश्चन इज that do you think the situation can deteriorate? Do you have any estimate and how will the measures, the lockdown measure, will make sure that the situation does not deteriorate further? I am very sure that because of the lockdown announced by Prime Minister and followed by people of India, definitely it will have a very positive impact and we can fight with corona like virus only through this common action, joint action, stay at home, keep social distancing, wash your hands regularly, and if you find any symptom immediately visit doctor. I think these are the 4 measures with which we will definitely win this war against corona. सर एक और ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे मंत्रालय से संबंधित है सर। नॉट जस्ट ओनली न्यूज़पेपर्स, सोसाइटीज आर नॉट अलाउइंग इवन द जर्नलिस्ट टू गो आउट, इससे जुड़ा हुआ है सर, एंड सम ऑफ द जर्नलिस्ट आर बीइंग स्टॉप्ड एंड वन ऑफ द सोसाइटी हैज आस्क्ड जर्नलिस्ट टू वैकेट द हाउस। सर
नहीं, ये बहुत ही जर्नलिस्ट को या डॉक्टर को जो आज समाज की सेवा कर रहे हैं, जो पत्रकार और जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जो आज कोरोना वायरस की सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाना और कोरोना पर उपाय करना ऐसे पवित्र काम में जुड़े हैं, उसी के लिए तो 130 करोड़ लोगों ने तालियां बजाई 22 तारीख को 5 बजे, उनको सलाम किया। और ऐसे में उनके बारे में कुछ जगह इस तरह के जो उदाहरण हो रहे हैं उसकी जानकारी दे दे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। समाज को समझना चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपना खुद का संभालना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रहकर, और वो करे तो ऐसे कटु प्रसंग नहीं आएंगे। नंबर 9 फ्रॉम मिंट न्यूज़पेपर। साहब, जो लोग ये जो आपने बताया चावल और गेहूं के बारे में, ये तो सर ये और आपने ये भी बताया कि जो लोग सरकारी सेवक हैं और जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं उनको भी सैलरी मिलेगी। सर, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो 90% जो जनता है जिसके पास ना तो सैलरी है ना कुछ है, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला हुआ, कोई प्रेस वाला हुआ, सर उनके लिए कोई पैकेज की या कोई घोषणा करने की कोई संभावना है? एक दैट्स माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ऐसा है, सरकार सभी परिस्थिति पर नजर बनाई है और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से, अपनी दिल्ली में भी देखा उन्होंने एक उपाय किया कल घोषित, तो लोग अपने अपने उपाय घोषित कर रहे हैं और समाज भी बढ़ चढ़ कर आगे आके, कोई क्योंकि देहात में तो एक दूसरे का ख्याल रखते ही है। प्रश्न आता है बड़े बड़े शहरों में, तो बड़े शहरों में कोई भी भूखा न रहे और सब ठीक रहे, इसके लिए सरकार भी ख्याल कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही है, करेगी, और जिला प्रशासन को भी अधिकार दिया है वो भी करेंगे, और उसके साथ साथ मुझे विश्वास है समाज भी बड़े पैमाने पर आगे आकर समाज में जिनको जरूरत है उन तक मदद पहुंचाने का भी स्वयं स्फूर्त काम करते हैं, उसके लिए किसी सरकारी आदेश की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश जी, बट से फॉर एग्जांपल स्टेट्स के पास कोई फिस्कल स्पेस नहीं है, देयर आर सम स्टेट्स व्हिच हैव बीन कंप्लेनिंग। चलो यस, डिटेल में कल शाम को, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, वी हैव डन एक्सीडिंगली, अपने देश के इस प्रयोग को दुनिया नवाज रही है और दुनिया देख रही है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन होने वाला देश भी खुद को लॉकडाउन करके कोरोना से लड़ सकता है, ये लोग देख रहे हैं। प्लीज, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जी मिस्टर रविंदर। प्रकाश जी, इधर से हाँ, दो छोटे छोटे सवाल है कि आपने कहा कि किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं होगी, सबकी जरूरत पूरी की जाएगी, यहाँ है। हाँ, देखा मैंने, आवाज तो समझ लिया लेकिन सर ये है कि अगर इसमें जो कई जगह से आ रहा है कि कालाबाजारी की जा रही है, कालाबाजारी हो रही है, सामान की कमी हो जा रही है, लोग बड़ी संख्या में एक दूसरे से सट के लाइन लगा के रह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और किस नियम के तहत? और दूसरा, ये सारी व्यवस्था शहरों में दिख रही है, गाँव में क्या है सरकार की प्लान, किस तरह से? नहीं, पहले शामली गाँव में फैला है कल। पहले तो आप भी जो कानून के तहत ये कदम उठाए गए है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संबंध में जो कानून है वो देखिए, कल गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस दिए हैं वो भी देखिए, कानूनी प्रोविजन है कि कोई जमाखोरी करेगा तो उसको सजा हो सकती है, और ऐसे जो कोई नाजायज कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो वो भी गुनाह है। देखो, ये संकट की घड़ी है, सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और लोगों को भी डर डर के तुरंत जाके बहुत सारा सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये दुकान जैसे मैंने कहा 2100 दिन पूरे चलते रहेंगे और सभी सामान मिलेगा। नंबर 25, गांव में भी पूरा राशन और बाकी व्यवस्था यह ऐसी ही है, वहाँ भीड़
और बाकी जो होता है शहरों में ज़्यादा भीड़ वो वहाँ नहीं होती है, वहाँ लोग ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते ही है। प्रकाश जी, मेरा सवाल विकास जी। प्रकाश जी, सवाल है कि बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं, खास तौर पर जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, जो गए वहाँ फैक्ट्री बंद हो गई, वो फंस गए, वो अपने घर की ओर लौटना चाहते हैं, या बहुत सारे मजदूर जैसे दिल्ली में ही हम घूम रहे हैं, बहुत सारे हैं कि जो अब उनका रहने का ठौर नहीं है, वो स्टेशन पे भटक रहे हैं या कहीं बस अड्डे पर भटक रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, क्या सरकार उन लोगों को निकालने के लिए कोई व्यवस्था करेगी? नहीं, पहले तो ऐसा है, जैसे मैंने कहा, सरकार की स्थिति पर नज़र है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो यहाँ काम करते थे तो कहीं रहते भी थे। तो अभी सरकार की सलाह ये है कि जहाँ है वहाँ रहो 21 दिन के लिए, और क्योंकि वहाँ जाके वहाँ क्या परिणाम होगा वो भी एक अलग मुद्दा होता है। नंबर 16। सो किन्होंने कहा? कल मैडम ने कहा था ना, आज कोई कैबिनेट में डिस्कशन हुई इसके ऊपर? जो कैबिनेट में हुआ उसकी जानकारी मैंने दी, और रोज कैबिनेट हमारी रोज काम करती है, यानी सरकार रोज काम करने वाली सरकार है। या नंबर 16। सर, पॉलमी फ्रॉम इंडिया टुडे, आई हैव टू क्वेश्चंस। वन इज, डिड द प्राइम मिनिस्टर हैव एनी स्पेसिफिक वर्ड्स अबाउट द सिचुएशन टू हिज कैबिनेट कॉलीग्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द लॉकडाउन लास्ट इवनिंग? ऑल्सो सेकेंडली, there are a lot of delivery services which are shutting down, like a Big Basket or a Grofers, because they're saying that their delivery agents are getting harassed by the cops, who don't seem to know that these delivery services also come under the essential services group. Aisa hai, isliye aisi jo bhi dikkatein hogi to is kanun ka mool grah vibhag ka, home ministry ka hai, to wahan bhi aapko space milegi, aur jile jile mein batana hai, kyunki sabhi jile mein aisa nahi ho raha hai. बहुत जगह डिलीवरी बॉयज व्यवस्थित रूप से पहुंच रहे हैं। न्यूज़ में क्या होता है, जहां नहीं हो रहा है उसकी न्यूज़ आती है, लेकिन इसलिए पूरे 700 जिले में ऐसा हो रहा है, ऐसा सच नहीं है। एंड प्राइम मिनिस्टर से पूरा देश प्रेरणा लेता है, कैबिनेट के सारे सदस्य भी प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि जिस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं और जिस व्यापक विचार करते हैं, उनका मार्गदर्शन हमेशा ही प्रेरणादायी रहता है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण कौशिक फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। चलो, इनका, सर, इज देयर एनी प्रपोजल टू डेफर ईएमआई पेमेंट्स फॉर बिजनेस? विल द गवर्नमेंट हेल्प प्राइवेट बिजनेसमैन इन पेइंग द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज इन द लॉन्ग रन? ऐसा है, कल निर्मला जी ने बताते हुए ये कहा, मैंने सुना है, कि मैं आज एक पैकेज घोषित कर रहा हूं, बाकी भी कुछ बाद में करेंगे, तब जरा वेट करिए। मिस्टर प्रशांत, नंबर। सर, एक तो सर, जो होम डिलीवरी वाली बात की, मार्केटिंग, वो अलग अलग जिलों की बात नहीं है सर, कई कंपनियों ने अपने वेबसाइट पे लिख दिया है कि वो सर्विस नहीं देंगे, और उनकी शिकायत यही है कि वो रास्ते में उनको दिक्कत होगी। नहीं, तो उसका जरा एक तो ऐसा है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, आप समझ रहे ना, अभी घोषणा को और लॉकडाउन को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तो जैसे आपकी समस्या है, आज मेरे घर भी पेपर नहीं आए, अब इसका मैंने ढूंढने के लिए कहा है कि क्या हुआ भाई, हमारा पेपर डालने वाला वो नहीं डाल रहा है, क्योंकि एक बहुत गलत अफवाह फैली कि उससे हाथ लगाने से कुछ होगा, फिर लोगों को जैसे कहा, सोसाइटी वगैरह में भी ये भावना फैली, तो कुछ सोसाइटी ने कहा कि हमारे यहाँ मत डालो, तो ये दोनों गलत है। देखो, पेपर आने से कुछ नहीं होता, पेपर पढ़ने के बाद जानकारी मिलती है, और बाद में हाथ धोना है, ये सर, काम करना। एक सवाल ये है सर, सर सवाल तो मेरा हुआ है, एनपीआर एक तारीख नहीं था, नहीं, मैं एनपीआर 1 अप्रैल से शुरू होना है सर, और एक्सरसाइज क्या उस पर कोई कॉल लिया जाएगा? 25 तारीख हो गया सर। नंबर 41। चलो, मुझे लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि रोज कोरोना के बारे में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें वो जानकारी देते हैं, मैंने आज, कल घोषणा हुई थी, इसलिए आज जो स्थिति हुई है और जो निर्णय हुए हैं वो मैंने बताए। सर, मैं ये बताना चाहूँगा, आज की हेल्थ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस 5 बजे यहीं पे होगी। हाँ, 5 बजे आज होगी सर। 41, सर, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सवाल। तो प्रकाश सर, प्लीज़,
क्या जो विदेशों में नागरिक है उनके बारे में भी कोई अपडेट्स आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जो फंस गए हैं वो तो फंस गए वहाँ पे? नहीं नहीं, भारत के जो जैसे छात्र पकड़ोगे तो 5 लाख छात्र हर साल विदेशों में जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो एक 3-4 साल का कोर्स अगर भी पकड़ते हो, 3 साल का एवरेज, तो भी 10-15 लाख छात्र होते हैं। ऐसे ही काम के लिए जाने वाले लोग होते हैं, वहाँ नागरिक बने हुए OCI भी होते हैं और NRIs भी होते हैं, तो बहुत सारे कैटेगरी, और वो ये संख्या करोड़ों में है। तो इसलिए इसके बारे में विदेश विभाग आपको जानकारी देता ही रहता है और देंगे भी, देगा भी आगे भी। धन्यवाद सर। फ्रेंड्स।